हेलो बच्चों, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास वन इंग्लिश मारीगोल्ड बुक का यूनिट 10 फ्लाइंग मैन। इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इसके सभी क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम अलाउड। पोएम लाउडली रीड करना है और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। अब इस पोएम में ये बच्चा है, देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ये फ्लाइंग मैन के साथ बात कर रहा है। ये फ्लाइंग मैन है, देखो इनके ड्रेस पर FM लिखा हुआ है, F फॉर फ्लाइंग, M फॉर मैन। सो फ्लाइंग मैन के साथ बच्चा क्या बातें कर रहा है, अब इसे समझते हैं। बच्चा बोल रहा है, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई। बच्चा बोल रहा है कि फ्लाइंग मैन आप इतना ऊपर आसमान में उड़कर कहाँ जा रहे हो, इतना ऊपर ऊपर इतनी हाइट पर आप कहाँ जा रहे हो। ओवर द माउंटेंस एंड ओवर द सी, आप माउंटेन के ऊपर से सी के ऊपर से जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। और फिर बच्चा पूछता है फ्लाइंग मैन को कि भाई फ्लाइंग मैन क्या आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। ये जो वर्ड है ना कांट, ये बना है कैन नॉट से, ठीक है, कैन नॉट से बना है कांट, ठीक है। तो क्या आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, ऐसा सवाल करता है कौन, बच्चा। अब नए वर्ड्स हमने क्या सीखे पोएम में, फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई मतलब बहुत ऊपर ऊंचाई में, मैन किसी पर्सन को मैन बोलते हैं, माउंटेन्स पहाड़ियों को बोला जाता है, सी पता है समुंदर, और टेक मतलब अपने साथ लेना। अब लेट्स रीड, रीड कर लेते दो सेंटेंस है। द माउंटेन्स आर हाई, माउंटेन्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, और बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं, आसमान में फ्लाई करते हैं। लेट्स शेयर, हैव यू सीन एन एरोप्लेन। अब इसका आंसर तो यस होगा, क्योंकि भाई आसमान में हमें छोटा सा तो भी एरोप्लेन दिखता है या फिर टीवी में देखा है। लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट। अब ऐसा प्रिटेंड करना, समझना है कि आप पायलट हो, मतलब जो एरोप्लेन चलाते हैं उनको पायलट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप पायलट हो फ्लाइंग एन एरोप्लेन, और आप एरोप्लेन जो है फ्लाई करा रहे हो। सो इनके आंसर्स दो अभी। वॉट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन, आप अपने एरोप्लेन के आउटसाइड बाहर क्या क्या चीज़ें देखोगे, क्या चीज़ें देख सकते हो आप एरोप्लेन के बाहर, आप देख सकते हो माउंटेन। सो यहाँ पे लिखोगे आप माउंटेन, देन आप क्या देखोगे और वाटर देखोगे, है ना। सो लिखोगे आप इसके आंसर में वाटर, और आप देख सकते हो क्लाउड्स, है ना, ये देखो ऐसे क्लाउड्स दिखते हैं। सो यहाँ पे लिखना है क्लाउड्स, ये हो गया ए का आंसर। अब ए का फर्स्ट है ड्यूरिंग द डे। अब देखो व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग द डे का वही होगा, आप माउंटेन्स देखोगे, वाटर देखोगे दिन का टाइम रहेगा तो, और क्लाउड्स देखोगे एरोप्लेन के बाहर। एट नाइट, और रात का समय रहा तो आप क्या देखोगे, लाइट्स देखोगे जो नीचे से आती है लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा लाइट। बी क्वेश्चन है व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन, आप अपने एरोप्लेन के अंदर क्या चीज़ें देखोगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप देखोगे वहाँ पे पैसेंजर्स, ठीक है, इसको सिंपल में लिखते हैं पैसेंजर्स देखोगे आप वहाँ पे। सो लिखो यहाँ पे पैसेंजर्स, देन आप देखोगे एयर होस्टेस देखोगे जो होती है एरोप्लेन में। सो एयर होस्टेस लिख दो, एयर होस्टेस, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू थिंक एन एरोप्लेन कैन लैंड ऑन द मून, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि एरोप्लेन जो है वो मून पर लैंड कर सकता है, तो इसका आंसर नो होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको नो इसके आंसर में। डू यू नो इफ़ एनी वन हैज़ रीच द मून, क्या आप जानते हो कि कोई मून तक पहुँचा है, हाउ डिड दे ट्रैवल टू द मून, और वो मून पर कैसे पहुँचे, ये भी आपको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। से अलाउड, अब इन्हें लाउडली बोलना है, जैसे कि फर्स्ट है मग, देन मू मम, मदर मड, देन वास वल, व्यू वैन वोट, वेव वॉल, वैक्स विंड वाय, नोट नीप नी नीट एंड नॉट। अब क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड लाइक हाई, हाई के जैसा साउंड आपको किसका लगता है। हाई, जब हम हाई बोलते हैं तो एंड में साउंड क्या आता है, ये आता है, और जब हम वाई बोलते हैं वाई तो तब भी एंड में साउंड क्या आता है, ये आता है। तो हाई के जैसा कौन सा हुआ, फिर हाई के जैसा वर्ड हुआ
वाई वर्ड, ठीक है. देन विच वर्ड राइम्स विथ मी, मी के साथ. मी मी जब बोलते तो ई आता है एंड में, और जब नी बोलते तब भी ई आता है एंड में साउंड, है ना. तो मी का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, फिर नी बनेगा. तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. हाई वाई एंड मी नी, ये राइमिंग वर्ड्स है. वॉट शाल आई बी वेन आई ग्रीव अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा या फिर बड़ी हो जाऊँगी तो मैं क्या बनूँगी. मैच द फॉलोविंग, मैच करने आपको, जैसे कि अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, जो शिप चलाते उन्हें बोलते हैं सेलर. तो यहाँ पे लगा दो पेयर. अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप, जो स्पेस शिप चलाते हैं ना इन्हें बोलते हैं एन एस्ट्रोनॉट. तो यहाँ पे लगेगी अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट, जो ड्रॉ करते हैं पेंट करते उन्हें बोलते हैं आर्टिस्ट. तो यहाँ पे पेयर लगेगी एन आर्टिस्ट. नेक्स्ट पे आता है अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, जो सिक मतलब बीमार लोग हैं उन्हें ठीक करने का काम कौन करता है, अ डॉक्टर. अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स, जो लेटर लेकर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोस्टमैन बोलते हैं. सो यहाँ पे पेयर लगेगी अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर्स, कहाँ पे गया पोस्टमैन, ये रहा पोस्टमैन. देन अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें बोलते हैं फार्मर, किसान. अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ, जो क्लॉथ बनाते हैं उन्हें बोलते हैं टेलर. तो ये पेयर लगेगी यहाँ पे अ टेलर. अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, जो स्कूल में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं टीचर. तो यहाँ पे पेयर अ टीचर के साथ. अ पर्सन हु चेक टिथ, जो टिथ को चेक करते उन्हें बोलते हैं डेंटिस्ट. तो डेंटिस्ट कहाँ गया, ये रहा डेंटिस्ट. तो टिथ की पेयर किसके साथ लगेगी, डेंटिस्ट के साथ. अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, अच्छा जो पर्सन फ्लाई करता हो एरोप्लेन तो उन्हें बोलते हैं अ पायलट. तो पायलट के साथ पेयर लगानी है. नेक्स्ट, अब ये तो ट्रेस वाला है, आपको बस क्या करना है, पेंसिल लेना है और अच्छे से ट्रेस करना है इन सभी वर्ड्स को. तो पहला था W, देन X, देन Y एंड दिस इज Z. तो आपको ऐसे ट्रेस करते हुए जाना है जितने भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं. तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे. हाँ, और फिर भी है A, B, C, D, E, F, G, आपको कंप्लीट Z तक है. तो सभी के सभी आपको पेंसिल से क्या कर लेने हैं, ट्रेस करने हैं अच्छे से बोल बोल कर. ठीक हो गया. चलो यहाँ पे फ्लाइंग मैन की जो पोएम है, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो गए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.